वेलकम टू सैफीज़ फैमिली। आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया सर्दियों के मौसम में बहुत ही ज़्यादा शौक से खाई जाने वाली सरसों के साग की रेसिपी को शेयर करूँगी, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और इसको बहुत ही ज़्यादा शौक से खाया जाता है। सर्दियाँ हैं, अभी सरसों मार्केट में अवेलेबल है, तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये बहुत ज़्यादा बढ़िया बनती है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और हरी सब्ज़ियाँ तो अभी मार्केट में हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सरसों के साग की रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। सरसों का साग बनाने के लिए मैंने यहाँ आधा किलो के करीब बथुआ लिया है और इसको मैंने इस तरह इसकी डंडी हटा दी है और ये पत्ते अलग कर लिए हैं मैंने। और आधा किलो के करीब ही मैंने यहाँ पालक लिया है और पालक को भी मैंने अच्छे से इसकी डंडियाँ जूती हुई हटा दी है। एक किलो से थोड़ी सी ज़्यादा मैंने यहाँ सरसों ली है और सरसों इस तरह आप इस तरह देख कर लें, इसके जो डंडी है वो इस तरह इजीली टूट जाए, क्योंकि अगर मोटी डंडी होती है तो उसका जो टेस्ट है वो साग में अच्छा नहीं आता है। इन सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और इसको अच्छे से वॉश करना है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। अगर आप अच्छे से वॉश नहीं करेंगे तो मिट्टी का जो टेस्ट है वो सरसों के साग में आएगा और अच्छा नहीं लगेगा। अब इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से बारीक कट कर लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ इन सभी चीज़ों को अच्छे से बारीक कट कर लिया है और इनको आपस में मिला दिया है, क्योंकि ये तीनों चीज़ें एक साथ मिलकर ही पकती हैं। तो आप भी अच्छे से इनको कट कर लीजिएगा। तो मैंने इनको अच्छे से कट कर लिया। यहाँ मैंने कुछ मसाले लिए हैं, जिसमें मैंने एक पूरी गांठ लहसुन की ली है और 1 से 1.5 चम्मच के करीब नमक लिया है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 5 से 6 हरी मिर्च और 5 से 6 ही मैंने यहाँ सूखी लाल मिर्च ली है। तड़के के लिए मैंने यहाँ 2 से 3 लाल मिर्च ली है, थोड़ा सा लहसुन लिया है और 2 पिंच हींग और 1/2 चम्मच के करीब मैंने यहाँ ज़ीरा लिया है। बहुत कम सामान जाता है सरसों के साग में। और यहाँ मैंने 6 से 7 टेबल स्पून मक्के का आटा लिया है, जिसका हम आलन लगाएंगे। आप चाहें तो गेहूँ का आटा भी ले सकते हैं, लेकिन मक्के के आटे का जो आलन है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है। तो मैंने यहाँ कुकर ले लिया है और कुकर में जो मैंने साग कट कर कर रखा था, जो सब्ज़ियाँ कट कर कर रखी थी, वो सारी ऐड कर दूंगी और थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे। पानी हमें ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि पालक में और सरसों में ऑलरेडी पानी होता है, तो थोड़ा सा ही पानी डालना है। और नमक जो लिया था वो भी मैं यहाँ डाल दूंगी और कुकर का जो लिड है वो लगा देंगे और 2 से 3 सीटी आने के बाद इसको 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कुक करना है। तो देखिए दो से तीन सीटी आ गई थी और साग देखिए इस तरह का हो गया है, इसमें थोड़ा सा पानी है। अब इस तरह एक मथनी मैंने ली है, जिसको मथनी कहते हैं हमारे यहाँ, इसको घोटना भी कहते हैं। तो इस तरह का आप मथनी ले लीजिए और इससे हमें कंटिन्यू साग को इस तरह घोटना है। अगर आपको लगता है पानी कम है तो आप इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन पानी हमें गर्म ही इसमें मिलाना है, ठंडा नहीं मिलाना है। अब एक मैंने ग्राइंडर जार ले लिया है, उसमें जो मैंने मसाले लिए थे, हरी मिर्च, लाल मिर्च, लहसुन और अदरक, इन सभी चीज़ों का हमें एक अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। तो देखिए मैंने पेस्ट बना लिया है और इस पॉइंट पे हमें ये जो पेस्ट है वो साग के अंदर ऐड कर देना है और इसको अच्छे से मिला लेना है। साग को बहुत अच्छे से हमें घोटना है। अगर आपको लगता है कि पानी कम है, पानी सूख गया है, तो आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि पानी हमें गर्म ही ऐड करना है, ठंडा पानी हमें यहाँ बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि ठंडा पानी अगर डालेंगे तो जो साग है वो अलग अलग हो जाएगा। तो इसलिए पानी को गर्म कर कर ही हमें डालना है। तो देखिए साग कितने अच्छे से घुट गया है और कितना बढ़िया लग रहा है साग। तो देखिए साग अच्छे से बन गया है। अब इसमें मक्का का आटा जो लिया था वो डाल देंगे और मक्का के आटे के साथ इसको 10 से 15 मिनट चलाते हुए पकाना है, ताकि मक्का के आटे का जो कच्चापन है वो चला जाए। आप चाहें तो इसकी स्लरी बनाकर भी डाल सकते हैं, बस इसमें किसी तरह का कोई लम्स नहीं रहना चाहिए। तो देखिए मैंने मक्का का आटा जो था वो साग के अंदर अच्छे से मिक्स कर दिया है और 10 से 15 मिनट इसको अच्छे से पका लिया है। अब थोड़ा सा मैंने यहाँ गर्म पानी इसमें ऐड किया है ताकि इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही हो जाए। तो साग हमारा बिल्कुल बनकर तैयार है। अब इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। तो मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया है, आप चाहें तो सरसों का ऑयल भी ले सकते हैं। मैंने इसमें थोड़ा सा घी डाला है और सबसे पहले मैं इसमें लहसुन डाल दूंगी, जो हींग लिया था वो मैंने डाल दिया है, थोड़ा सा इसमें ज़ीरा डाला है और जो लाल मिर्च कट कर रखी थी वो भी डाल दी है। बहुत कम चीज़ों के साथ साग बन जाता है लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो तड़का हमारा तैयार है। अब इसको साग के अंदर ऐड कर देंगे।
तो मैंने साग, देखिए साग के अंदर मैंने इसको डाल दिया है। साग हमारा बिल्कुल बनकर तैयार है। आप इसको मक्का की रोटी के साथ, गेहूं की रोटी के साथ सर्व करें, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। अभी मार्केट में सरसों अवेलेबल है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।